हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैट क्या होता है। जब हम नेटवर्किंग के इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है। देखिए, जो पैट की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था नेट क्या होता है। नेट की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये नेट का एक एडवांस वर्जन होता है। अगर आपको नेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखते हो तब भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं पैट के बारे में। पैट की फुल फॉर्म होती है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, नाम से पता चल पा रहा है, यानी कि ये एड्रेस को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, पोर्ट, यानी कि ये पोर्ट को, जो पोर्ट होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है। अब ये कैसे काम करता है हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है इधर की साइड, जहाँ पे हमारे 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, कंप्यूटर 1, 2 एंड 3। इसके आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किए 192.168.100.2, यहाँ पे किए 192.168.100.3, यहाँ पे किया मैंने 192.168.100.4। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा राउटर है। राउटर में हमारा पब्लिक आईपी भी होता है और प्राइवेट आईपी भी होता है, जो हम लोकल एरिया के लिए यूज़ करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ लैन नेटवर्क के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है प्राइवेट आईपी। और जब हमें इंटरनेट को एक्सेस करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक आईपी। तो हमारी पब्लिक आईपी यह है 157.24.254.56। तो हमारा ये हो गया पब्लिक आईपी का यूज़ किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ये यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये कोई भी सर्वर हो सकता है। सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 24.12.25.14, और यहाँ पे दिया हुआ है 24.12.25.15। ये हमारे सर्वर हो गए, और सपोज़ कीजिए ये हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। और अब ये कैसे काम करता है, नेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये आईपी एड्रेस होता है ये कन्वर्ट कर देता है पब्लिक आईपी में। तो जैसे कि हमारा ये आईपी एड्रेस है, ये कंप्यूटर कुछ भी एक्सेस करना चाहता है तो सबसे पहले ये यहाँ पे राउटर के पास आएगा। राउटर क्या काम करेगा, इस आईपी को अपने पब्लिक आईपी से चेंज कर देगा, क्योंकि पब्लिक आईपी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट आईपी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो पब्लिक आईपी की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं सर्वर के थ्रू, यहाँ पे या मैं बोल सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू हम सर्वर पे जा सकते हैं। और ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, पब्लिक आईपी की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे नेट का यही काम होता है कि जो हमारा लोकल आईपी होता है ये उसको कन्वर्ट करता है यहाँ पे प्राइवेट आईपी में। लेकिन पैट क्यों लाया गया, पैट का मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमने पोर्ट को भी ऐड किया। ये सेम वर्क करता है जैसे नेट करता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है जो होती है पोर्ट। जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है, कोई भी हमारा कंप्यूटर इस वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है सेम एप्लीकेशन से। सपोज़ कीजिए आपके पास यहाँ पे फेसबुक है और आप किसी की भी प्रोफाइल को चेक करना चाहते हो, आपने यहाँ पे चेक किया तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा उस एप्लीकेशंस का। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोर्ट नंबर को ऐड नहीं करते हो तो सपोज़ कीजिए यहाँ तो आपने यहाँ पे उस प्रोफाइल के लिए रिक्वेस्ट की, यानी कि कोई भी बंदा है उसकी आप प्रोफाइल देखना चाहते हो, और सेम ही टाइम पे इसने भी रिक्वेस्ट की, सेम टाइम पे इसने भी रिक्वेस्ट की, तो राउटर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये या ये कर रहा है। तो यहाँ पे ऐड किया जाता है पोर्ट नंबर भी। तो पोर्ट नंबर क्या काम करता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आईपी एड्रेस हो गया, बाद में हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर को ऐड किया। तो ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे
इसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा जैसे कि नेट करता है, और इसका जो पोर्ट नंबर है इसका यहाँ पे 5097 पोर्ट नंबर आया है, ये इसको एज इट इज़ रहने देगा क्योंकि अभी ये 1 आया ओनली, क्योंकि इसकी तरह का कोई भी और पोर्ट नंबर नहीं है, और ये यहाँ पे आउटसाइड ग्लोबल यानी कि इसको यहाँ पे जा सकता है इस सर्वर पे और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आईपी एड्रेस की, इसने भी क्या काम किया, इसी पोर्ट नंबर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, यानी कि इस एप्लीकेशन का भी यहाँ पे सेम पोर्ट नंबर है, तो यहाँ पे ये जो राउटर है ये काम करेगा, इस पोर्ट नंबर को ये चेंज कर देगा इसमें, जिससे कि यहाँ पे ये सेम ना हो जाए। अगर ये सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा राउटर रहेगा कि इंफॉर्मेशन मुझे किसे देनी है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है पैट का, यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये पोर्ट के एड्रेस को क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5097 है यहाँ पे लास्ट में, इसने इसको भी चेंज कर दिया 870 में, इसको इसने चेंज कर दिया, और उसके बाद ये यहाँ पे सर्वर के पास जाता है और सर्वर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को वापस लाता है। तो ये जो काम होता है ये पैट का होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे देख लेते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेट, ये नेट का एक एक्सटेंशन होता है, डेट ट्रांसमिट मल्टीपल डिवाइस ऑन ए लैंड टू बी मैप्ड टू ए सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। इसका मतलब यही है कि ये आपको मल्टीपल डिवाइस में क्या करता है, परमिट करता है किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क पर। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में हो और सेम ही टाइम पर आप सेम ही पोर्ट नंबर से कोई भी मैसेज को एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।